आज के इस प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे क्रॉप ओपन क्लोज ट्रांजिशन इफेक्ट के बारे में। वैसे तो इस इफेक्ट को कई तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसान और फास्ट तरीका जिससे आप कुछ ही मिनटों में इस इफेक्ट को अपने वीडियो पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप उस वीडियो क्लिप को या वीडियो को इंपोर्ट कर लीजिए जिस पे आपको ये इफेक्ट अप्लाई करना है। इसके बाद में इसे टाइमलाइन में डाल दीजिए। टाइमलाइन में डालने के बाद में आपको इफेक्ट्स मेन्यू ओपन करना है और यहाँ पे वीडियो इफेक्ट से क्रॉप इफेक्ट को सर्च करना है। क्रॉप इफेक्ट आपको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट फोल्डर में मिल जाएगा। इसे आप ड्रैग करके वीडियो क्लिप पे ड्रॉप कर देंगे तो इससे संबंधित ऑप्शन यहाँ पे आपको इफेक्ट्स पैनल में दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पे आप इसे लेफ्ट साइड से क्रॉप कर सकते हैं, राइट से कर सकते हैं, टॉप से कर सकते हैं और बॉटम से कर सकते हैं। तो ओपन क्लोज ट्रांजेक्शन के लिए हमें इसे टॉप और बॉटम से क्रॉप करेंगे। ये जो की हेड है इसको हमें वीडियो क्लिप के बिल्कुल स्टार्ट में ले आना है और यहाँ पे ये जो टॉप और बॉटम के आगे क्लॉक का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। इससे यहाँ पे की फ्रेम बन जाएगी। अब की फ्रेम में आपको यहाँ पे वैल्यू को 50% सेट कर देना है और टॉप वाली भी 50% सेट कर देना है। इससे ये पूरा वीडियो क्रॉप हो जाएगा। ये जो टाइम हेड है इसको हम थोड़ा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, जैसे भी अगर आपको लंबा इफेक्ट चाहिए तो 2 सेकेंड ले सकते हैं, या छोटा इफेक्ट चाहिए तो आप 1 सेकेंड ले सकते हैं। तो इसको हम मूव कर देते हैं और यहाँ पे ये जो वैल्यू है 50 इसको वापस 0 कर देते हैं और टॉप की वैल्यू को भी हम 0 सेट कर देते हैं। अब इस क्लिप को आप प्ले करके देख सकते हैं, इस प्रकार से ये क्लिप ओपन होगी। सेम प्रोसेस हम क्लिप के एंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 या 2 सेकंड पहले इसके की हेड को लाइए और जो वैल्यू है इसको फर्स्ट की फ्रेम पे 0 सेट कर देंगे और दूसरे की फ्रेम पे 50% पर सेट कर देंगे। या फिर इसको और भी फास्ट तरीके से करने के लिए हम ये जो ऑलरेडी की फ्रेम बनाए हुए हैं इनको सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और लास्ट में भी हम इसी प्रकार से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्लोजिंग इफेक्ट हो जाएगा। क्लोजिंग और ओपन का जो इफेक्ट है इसको थोड़ा स्मूथ लुक देने के लिए आप यहाँ पे इनको की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे ये जो ऑप्शन बने हुए हैं लीनियर, बेजियर, इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पे ईज इनको सेलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से देखते हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने वीडियो में क्रॉप ओपन क्लोज ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।